children. आज शुक्रवार को भी जिले के बिना जागो नारी स्वयं सहायता समूह पड़िया हाट के द्वारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत समुदाय केंद्र पड़िया हाट के पास स्टॉल लगाकर असहाय मजदूर एवं गरीबों के बीच निःशुल्क भोजन परोसा गया। इस बाबत बिना स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालन किए जा रहे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रतिदिन 200 से 250 लोगों के बीच भोजन कराया जा रहा है। ते चले कि बिना स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालन किए जा रहे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रतिदिन 200 से 250 लोगों के बीच भोजन कराया जा रहा है। वहीं जहां एक ओर कोरोना के भय से लोग अपने अपने घरों में सिमटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इस महिला समूह के द्वारा लोगों को पीड़ा कम करने में जुटी हुई है। समूह द्वारा पड़िया हाट स्थित सूरज मंडल इंटर महाविद्यालय कॉलेज में आइसोलेट किए गए व्यक्तियों को भी आज भोजन कराया गया। वहीं मौके पर समूह के सदस्यों में रीना देवी, बीना देवी एवं रीता देवी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। पड़िया हाट से समाचार आज तक के लिए हमारे संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। एक दिन में कितने लोग खाना खाते हैं? लगभग 200-250 तक हम लोग खिला चुके हैं। अच्छा। और अभी तक में 12 बजे के टाइम में अभी तक हम लोग लगभग 50 को खिला चुके हैं और ये 2 से 2:30 बजे तक दोपहर तक चलते रहेगा। डेली 200-250 मतलब वो खाना खाते हैं? जी। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये हमारे कोरोना वायरस का मतलब लॉकडाउन चलेगा, तब तक आप लोग मतलब रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। आपका? मैं रेनू देवी। रेनू देवी मेरा बीना देवी। ये बीना देवी है, दोनों हम लोग समूह से हम जुड़े हैं। बीना जागो नारी स्वयं सहायता समूह से हम जुड़े हैं और जब तक अभी ये रहेगा तब तक हम अभी करते रहेंगे और सेवा करते हैं। पीछे लगे रहेंगे, पीछे नहीं हटे। कोरोनावायरस को हम लोग पीछे भगाना है, करना नहीं है। कहाँ कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है ये खाना? हम लोग यहाँ खिलाने के बाद ही 12 से 1:30 बजे के अंदर में सूरज मंडल कॉलेज जो हमारा पड़िया हाट में है वहाँ भी कुछ रोगी हैं जो बाहर से आए हैं, उनको भी हम लोग भोजन पानी करा रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो बाहर से सैनिक भाई लोग आए हैं उनके लिए भी हम लोग भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं। सारे का खान पान हम लोग सहूलियत से कर रहे हैं और करते रहे। वो जितना भी रोड पर आदमी खाई ना गरीब हाँ तो गरीबी खेली।